रेशा रेशा रेशम जैसा नजाकत से बुने जाते ये ताने बाने समाया इसमें जायके का अद्भुत जहां स्वाद का समृद्धि का खजाना है ये केले का तना जो कल तक फेंक दिया जाता था समझकर कचरा वेस्ट को वेल्थ में बदलने की ये अनोखी कहानी है महाराष्ट्र की केला राजधानी जलगांव की। जलगांव जहां महाराष्ट्र का 70% केला उपजाया जाता है। यहां मीलों तक फैले भुसावल के केलों का नाम किसने नहीं सुना। इन्हीं केले के खेतों से मिलता है यहाँ के 3.5 लाख लोगों को रोजगार। केले के पेड़ के मुख्य तौर पर 4 हिस्से माने जाते हैं, पत्तियां, फल, तना और जड़। आमतौर पर एक बार फल देने के बाद केले का तना यानी कि स्यूडोस्टेम उपयोगी नहीं रहता। केले की फसल निकाल लेने के बाद किसान को तने को काटना ही पड़ता है। लेकिन ये कटा हुआ तना कई समस्याओं की जड़ बनता आया है। हम केले का जो डूंगर निकाल लिया, फसल निकाल लिया, तो जो तना आता है उसको काट के फेंक देते थे बाद में भंडारे में। फेंक के तने को हम बाद में जलाना पसंद करते थे। जलगांव डिस्ट्रिक्ट में ये जो पूरा बेल्ट है बनाना का, यहाँ पे लगभग 35 से 40 लाख मेट्रिक टन बनाना स्यूडोस्टेम वेस्ट है। इससे एग्रीकल्चरल वेस्ट ऑफ ह्यूज क्वांटिटी। समस्या बड़ी थी, समाधान के लिए जरूरत थी नई सोच और मिलकर आगे बढ़ने की। इसमें मदद मिली केंद्र सरकार की पहल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की। अगर हम इतना 50 लाख मेट्रिक टन खाली जलगांव डिस्ट्रिक्ट में हम बाहर फेंक रहे हैं, उसको जला रहे हैं, पोल्यूशन के बारे में प्रॉब्लम आ रहे हैं, सॉइल हमारी खराब हो रही है। जब मैंने इसमें थोड़ा ध्यान देने लगा, मुझे नवसारी यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला और मैंने देखा स्यूडोस्टेम से हम फाइबर भी निकाल रहे हैं, उसका स्कचर से हम वर्मी कॉम्पोस्ट बना रहे हैं, उसका जो सैप निकलता है उस सैप से एक लिक्विड फर्टिलाइजर हम वहाँ बना रहे हैं। फिर मैंने देखा कि अगर ये इतना मेहनत लैब में कर रहे हैं तो क्यों ना हम लैंड तक लेके जाएं। तब बहुत लोगों ने मुझे साथ दिया। हमने इसमें ताप्ती वैली बनाना प्रोसेसिंग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी किया, आरक्यूआई से हमें बहुत मदद मिली। तो बस शुरू हो गई केले के तनों पर तरक्की की तान। सबसे पहले हुई किसानों की ट्रेनिंग, तने के सेंट्रल कोर यानी कि मध्य कंद से विभिन्न उत्पाद तैयार करने की। फिर समझाया गया कि कैसे फैक्ट्री में तने के बाहरी छिलकों से फाइबर, सैप और सच्चर निकाल कमाई के नए जरिए तैयार किए जा सकते हैं। हमने कम से कम 1000 लोगों को प्रशिक्षित दिया है। मेरी सोच है हमें कुछ न कुछ बदलना चाहिए। अब तने फेंके नहीं बल्कि उठाकर फैक्ट्री पहुंचाए जाने लगे। हरी भरी जानकारी दी, ये कचरा ये टना लाने से तुमको पैसे मिलेंगे, तो एक टने के पीछे 10 रुपये मिलता है। 10 रुपये मिल के कम से कम सब ट्राली में भर के उसको लेके जाने के बाद सब खर्चा खर्चा जाके 1800 मिलता है। ये बनाना स्यूडोस्टेम में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है और कि ये बहुत बल्की होता है और बल्की होने से इसको ट्रांसपोर्टेशन का बहुत खर्चा लगता है। ये खर्चा अवॉइड करने के लिए हमने जहाँ बनाना का ग्रोइंग गांव है उसी गांव में फाइबर एक्सट्रैक्शन का कॉटेज इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया जो कि वहाँ के किसान लोग ही चलाते हैं। अब फैक्ट्री किसानों के खेतों तक पहुंची तो कभी ये बेकार पड़े रहने वाले तने आज बन गए कच्चा माल, सुनहरे दमकते रेशों के।
पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडीक्राफ्ट्स बनाना फाइबर से बनते हैं, और इससे जो पेपर बनता है वो डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका लाइफ लगभग 500 साल का लाइफ है, तो इससे जो भी चीज़ बनती है उसका शेल्फ लाइफ उतना बन जाता है। बनाना फाइबर का इस्तेमाल करेंसी प्रिंटिंग पेपर में भी होता है। और इन्हीं तनों से निकलता है वो अमृत रस, जो पौधों में जीवनी ऊर्जा भरता है। बनाना पेड़ के अंदर लगभग 80-85% पानी होता है, जिसे बनाना सैप कहते हैं। सैप में प्लांट ग्रोथ के लिए जो लगने वाले सभी न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध रहते हैं। रेशा और रस निकाल लेने के बाद बचे हुए हिस्से यानी कि सच्चर से बनाया जाता है कंपोस्ट। सच्चर से कंपोस्टिंग बनाने के लिए कॉटेज इंडस्ट्रियल सेंटर पर ही कंपोस्टिंग यूनिट किए हैं। हमने 11 सेंटर कॉटेज इंडस्ट्रियल यूनिट खड़े किए हैं। ये जो सेंटर खड़ा करने को जो खर्चा लगता है 13.5 लाख का, उसमें का 50% राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत ग्रांट मिलता है। 25% पैसा ये ताप्ती वैली सोसाइटी डालती है, और 25% पैसा वो कॉटेज इंडस्ट्रियल यूनिट खड़े करने वाले किसानों को डालना पड़ता है। तैयार उत्पाद की मार्केटिंग का समाधान भी पहले ही खोज निकाला गया। अकेला किसान मार्केटिंग नहीं कर सकता है, इसलिए हमने ये सेंटर को उनका 100% परचेस करने का एश्योरेंस दिया है। सेंटर पे तैयार होने वाला सब फाइबर, सब पानी हम सोसाइटी परचेस करती है और उनको अच्छा रेट देते और हम सैप पर प्रोसेसिंग करके उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं, उसका ब्रांडिंग करके उसका मार्केटिंग करते हैं। और ये तैयार सैप फिर से पहुंचता है वहां जहां से ये निकाला गया, यानी केले के खेतों में, अपनी धारा से खुशहाली की मजबूत बुनियाद रचने। ये पापी एनर्जी यूज करने के बाद मेरा रासायनिक मटेरियल का जो यूज था वो कम हो गया, क्योंकि इसमें जो नेचुरल जिब्रेलिक एसिड है इसकी वजह से वो केले की साइज है, पौधे की साइज है, वो अच्छी आ गई। तपती एनर्जी डालती है ना, तो पेड़ भी बड़ा बड़ा हो जाता है, केला ही बड़ा बड़ा हो जाता है, वजन भी बढ़ता है, और व्यापारी लोग देखने को आते हैं तो खुश रहते हैं। 1200 भाव रहता है ना, ये भाव के ऊपर 200 रुपये आन देते हैं हमको। जलगांव के किसानों की ये मुस्कुराहटें बता रही हैं कि नई सोच और तकनीक की मदद से अब केले का तना बोझ नहीं बल्कि बन गया है कल्प वृक्ष, जो उन्हें दे रहा है समृद्धि का वरदान।